नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केल गुप्ता। दोस्तों आज हम ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि आप अपने बैटरी का लाइफ 2 से 3 साल एबव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। कारीगर हैं तो कस्टमर की बैटरी की लाइफ बढ़ा देंगे, और इसके लिए आपको बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, लेकिन एक लॉजिकल इसमें बात है, उसको समझना है। दोस्तों इसकी जो अभी हम इसको हम चालू करके दिखा रहे हैं, अभी ये गुड है, ओके कंडीशन में, ऐसा नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है। देखिए ये मैं चालू हो गया, ये चार्जिंग मोड के लिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कितना एम्पियर, 20 एम्पियर प्लस, लगभग 23-24-25 एम्पियर के नियर में ये कंटिन्यू चार्ज कर रहा है, जबकि मेरा यह इन्वर्टर उसी बैटरी को चार्जिंग बंद किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारी बत्ती खड़ी है, एकदम कोई चार्जिंग नहीं मिल रहा है इसको। और ये हमारी बैटरी जो देख रहे हैं, जो आपको सामने दिख रहा है, ये हमारी बैटरी लगभग 3.5 साल से ऊपर जा रहा है। अब इसमें लॉजिक क्या है, आप किस तरह से इसको जो है इसकी उम्र को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो दरअसल इसका समस्या यह है कि कोई भी इन्वर्टर बैटरी का जो कम्बिनेशन होता है, आपने दोनों एक साथ नया लगाया, देखिए अभी चार्ज कर रहा है, कटाप नहीं कर रहा है, एक साथ आपने नया लगाया तो ठीक है, लेकिन जब 3 साल 4 साल बीत जाता है तो उस समय ये कंडीशन आता, आपकी बैटरी कमज़ोर हो जाती है। जब बैटरी कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन इन्वर्टर तो कमज़ोर होता नहीं है, इसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वही है, या तो यस करेगा या तो नो करेगा, नहीं चार्ज करेगा आप इसको रिपेयर कराएंगे, चार्ज करेगा तो उसी कंडीशन में चार्ज करें जिस कंडीशन में इसको सेट किया गया था। अब वहाँ क्या होता है कि बैटरी धीरे 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 गर्म होना शुरू हो जाता है। जब बैटरी गर्म होना आपका शुरू हो जाएगा तो वो ख़राब होने की कंडीशन में आ जाएगा, कि मतलब बैटरी ख़राब हो जाएगा, एकदम श्योर ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा जब बैटरी गर्म होना, देखिए दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि बैटरी ख़राब होने की एक सबसे बड़ी पहचान ये भी है कि अगर बैटरी कंटिन्यू चार्ज कर रहा है इन्वर्टर आपका, और इन्वर्टर अच्छे कंडीशन में है, तो आपका बैटरी गर्म होगा, और वो ख़राब होने के कंडीशन में समझ लीजिए वो लाइन में लग गया ख़राब होने के लिए। तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, मान लीजिए उसकी लाइफ को हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक ऐसी सेटिंग है कि आपको करना है, और थोड़ा लॉजिक से समझिए दोस्तों, इसलिए कि कुछ लोगों को लगेगा यार बकवास, इन बकवास नहीं, समझने वाली बात है। इसमें जो हमारा चार्जिंग कट ऑफ सेटअप 14 वोल्ट के लगभग में होता है, 14 वोल्ट हो जाने के बाद कट ऑफ कर देगा, लेकिन दोस्तों जब बैटरी पुरानी हो जाती है तो वो 13 से ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी हालत ख़राब हो जाती है, 13 से ऊपर जाती नहीं है, और जिसके वजह से वो कंटिन्यू चार्ज 14 वोल्ट पे चढ़ाने का ये कोशिश करता रहेगा, अब वो 14 वोल्ट होने का नाम नहीं लेगा, इसके वजह से गर्म होके आपका ज़्यादा बिजली भी बर्बाद करेगा, यानी कि आपका यूनिट भी बढ़ाएगा और बैटरी भी ख़राब कर देगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आपके अगर जो बैटरी 3 साल 4 साल हो गया कंटिन्यू चार्ज कर रहा है, चार्जिंग बंद नहीं हो रहा है, तो इसमें एक सेटिंग ऐसा है, इस वाले सेट में, इस वाले नहीं लगभग सभी में होता है, और उसको आप आसानी से कर भी सकते हैं। अभी आपको हम इसका करके दिखा रहे हैं, बने रहिए। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये जो है इसका, ये जो माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 3 है, वो चार्जिंग सेंस करता है कि चार्जिंग कितना होना चाहिए और उसका क्या, कितने वोल्ट का इसमें कंडीशन होना चाहिए। तो पहले तो आप देखिए, इस समय ये विदाउट किसी छेड़छाड़ का ये है भाई, इस पर इसके प्रीसेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ना ही इसमें कोई परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर 1, 2, 3 पिन नंबर 3 का आपको वोल्टेज हम दिखा रहे हैं, देखिए 3.69 ये इसका वोल्टेज है, और किस कंडीशन में, कि बैटरी जब कितने वोल्ट चार्ज है तब उसको जानिए, बैटरी का वोल्टेज लगभग 13 वोल्ट, 9.2 है 13 वोल्ट, 13 वोल्ट के चार्जिंग में ये जो है 3.69 वोल्ट बता रहा है। लेकिन दोस्तों हमारी भी बैटरी थोड़ी पुरानी हो गई है, मतलब लगभग 4 साल 3.5 साल को ऊपर ही जा रहा है, तो हम उसको सेटअप करके उसकी चार्जिंग को कंट्रोल किए। अब इसमें इसका लॉजिक ये है कि पिन नंबर 3 का वोल्टेज
जितना कम होगा चार्जिंग उतना ज़्यादा होगा। मतलब ये सपोज कर लीजिए पिन नंबर अगर 3 का वोल्ट 3 वोल्ट हो जाए तो 15 वोल्ट से ऊपर पे कट ऑफ करेगा ये। और सपोज कर लीजिए कि ये पिन नंबर 3 का वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाए तो वो जो है 13 वोल्ट के लगभग में ही जाके कट ऑफ कर जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप ये वाला जो प्रीसेट दिख रहा है आपको नीला वाला, ये प्रीसेट इसको कंट्रोल करता है। अभी आपको हम दिखा भी रहे हैं 3.68 हो रहा है ये। अब यहाँ से इसको हम मूव कर रहे हैं, पड़ गया 7 हो गया, देखिए 8 हो गया, 9 हो गया, 4 वोल्ट हो गया। यही सेट कट ऑफ नहीं कर रहा था, अब आपको हम दिखा रहे हैं कि कट ऑफ करेगा नहीं। ऐसा नहीं कि चार्ज ही नहीं करेगा, चार्ज करेगा, लेकिन इसके कट ऑफ होने का जो दर है वो गिर जाएगा। मतलब ये 15 वोल्ट या 14 वोल्ट पे नहीं जाके ये 13 वोल्ट के ही लगभग में इसको कट ऑफ हो जाना चाहिए। अब इसको आइए चार्ज करके देखते हैं क्या इसमें इसका रिजल्ट निकलता है, उसके बाद तब आपको बताते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ हम चालू करें इसका सोर्स, चालू कर दिए, यहाँ चेंज हुआ, अभी आवाज़ सुने होंगे। यहाँ पे देखिए अब ये चार्जिंग जो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए कटाव जा रहा, कटाव हो रहा, कटाव हो रहा, देखिए 10 पे आ गया, अभी थोड़ी देर में वो भी कटाव देखिए हो गया, एकदम बंद हो गया 4 वोल्ट पे। 4 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर पे जब फिर 3 पे आया तो बंद हो गया, और ये 13 वोल्ट पे ही बंद हुआ है, 13 वोल्ट पे ही ये बंद हुआ है। अब दोस्तों अब इसमें समझने वाली बात है, जो बैटरी पुरानी हो गई है, अब इसको अभी थोड़ा हम इसको हम बढ़ा के दिखाते हैं, यहाँ का वोल्टेज अभी अब चार्जिंग आ जाएगा, तुरंत चार्जिंग आ जाएगा, अभी आपको दिखाते हैं चार्जिंग आ जाएगा तुरंत यहाँ पे। हाँ लगभग 6-9 था, अब ये इस उसी वोल्टेज पे कर दिए, फिर इसको एक बार ऑन ऑफ करें, ये लिया। अब यहाँ देखिए अब चार्जिंग टाइम तक रुकेगा, अब देखिए चार्ज कर रहा है ये, ऐसे पहले तुरंत भाग जा रहा था पीछे अंडर वोल्टेज की तरफ जा रहा था, लेकिन अब देखिए रुका हुआ है, पूरी तरह से रुका हुआ है। इस कंडीशन में बैटरी को ख़राब करेगा, अगर आपकी बैटरी पुरानी है तो आइस सेटअप से आप कस्टमर के बैटरी को या अपने खुद के बैटरी के लाइफ को लगभग 2 साल इंक्रीज कर सकते हैं, 2 साल उसकी लाइफ लगभग बढ़ जाएगी, ये बात मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ आपको। ये सेटअप आप करके देख लीजिए, 2 साल कम से कम उस बैटरी की लाइफ बढ़े, जो बैटरी चलने लायक नहीं रहेगा वो भी चलेगा। हाँ इसमें आपका बिजली भी बचेगा और आपका जो है वो क्या कहते हैं बैटरी में का जो टाइम ड्यूरेशन होया वो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारी जो नॉलेज था छोटा सा, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के प्रेस कर दें, और इस तरह के वीडियो लेकर हम बराबर आते रहते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए आपको बोलते हैं जय हिंद जय भारत।